अभी हम सॉल्व करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 307 पे आ जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए बच्चों के इसमें क्या दिया है। सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर 21,000 एट 3 मंथ्स ऑन प्रसाद। देखिए बच्चों यहाँ पे किसने बिल बनाया और किसने उसको एक्सेप्ट किया उसको जरा हम समझते हैं। तो देखिए ये हैं आपके सागर और ये हैं आपके प्रसाद, ठीक है। सागर ने क्या किया बच्चों, बिल को बनाया, ठीक है। तो जो बिल को बनाता है वो कौन होता है, ड्रॉवर होता है, यानी कि सागर यहाँ पे कौन हो जाएंगे बच्चों, ड्रॉवर, और बाकी प्रसाद क्या होंगे, आपके ड्रॉवी होंगे, ठीक है। तो सागर ने बिल बनाया बच्चों प्रसाद के ऊपर कितने का, 21,000 का। कभी बनाया तो 21 नवंबर 2019 को, और कैसा बिल बनाया है बच्चों, आफ्टर साइट बिल बनाया है। तो आफ्टर साइट बिल में क्या होता है, जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया जाता है उस दिन से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बिल का पीरियड जो है वो काउंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द बिल इज डिस्काउंटेड बाई सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक, यानी कि फिर सागर ने क्या किया बच्चों, बिल डिस्काउंटिंग के लिए दे दिया, ठीक है। 8% पर एनम के हिसाब से जो बैंक है वो चार्जेस अपना काटेगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे इंटरेस्ट करते टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑन मैच्योरिटी डेट यानी जब भी ड्यू डेट आया तो प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट, यानी कि जब भी मैच्योरिटी पीरियड आया तभी प्रसाद ने, मतलब प्रसाद को रियलाइज हुआ कि वो अपना पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसने ना सागर को रिक्वेस्ट किया कि आप क्या कर दो, जो बिल है उसको रिन्यू कर दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ना। फिर सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 rupees इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई प्रसाद, ठीक है। सागर ने इनका जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने नया बिल बनाया, कितने का बनाया बच्चों, 21,750 rupees का बनाया। तो अब इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए बिल का अमाउंट पहले कितना था बच्चों, 21,000 था, और जब नया बिल बनाया गया तो उसके ऊपर अमाउंट कितना है, 21,750। तो ये 750 एक्स्ट्रा जो है ये क्या है बच्चों, ये आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जो सागर है ना वो प्रसाद से इतना इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एक महीने का बिल इन्होंने बनाया, चलिए, और प्रसाद ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसकी भी एंट्री हमको पता है कैसे की जाती है, हम कर लेंगे। फिर क्या होता है, सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि फिर सागर ने क्या किया, जो इनके पास ये बिल था ना 21,750 rupees का, उसको दे दिया बैंक को, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, यानी कि तुम जाओ पैसा कलेक्ट करके लाओ और जो भी तुम्हारा चार्जेस होगा वो ले लेना, ठीक है। फिर प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹250 एज बैंक चार्जेस, यानी कि प्रसाद ने क्या किया बच्चों, बिल को ऑनर कर दिया, जब भी इनका ड्यू डेट आया तो पेमेंट कर दिया और बैंक ने अपना कितना चार्ज काटा बच्चों, तो ₹250, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर, सागर के बुक में हमको एंट्री पास करना है। तो सागर मतलब कौन बच्चों, ड्रॉवर है ना, सागर के बुक में हमको यहाँ पे एंट्री पास करना है। और लेजर किसका बनाना है, तो देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर सागर्स अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझे, हमें यहाँ पे प्रसाद की भी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी तभी जाके हम लोग लेजर कर पाएंगे, यानी हमें दोनों साथ साथ में करना है, ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री करना है और ड्रॉवी के बुक में भी करना है। तो ये जो ड्रॉवी वाला है ना बच्चों, ये हम लोग ऐसे ही रफ में करते हैं, रफ में मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करते हैं, ठीक है। चलो फिर देखा जाए, इस प्रकार से आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से, मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ सागर यानी कि ड्रॉवी, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे प्रसाद की एंट्रीज हम लोग करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, हर एक चीज को अच्छे से समझते जाइए, फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, सागर ने बिल बनाया और प्रसाद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जब ही प्रसाद बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो सागर के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या बन जाएगा बच्चों, यस एवरीवन, असेट बन जाएगा। तो असेट जब भी बढ़ता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, मतलब उसको क्या करने का, डेबिट करने का, यानी सागर के अकाउंट में हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो ये जो प्रसाद है बच्चों इसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। चलिए फिर लिखते इधर 2019 21 नवंबर, क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आप लोग को चाहिए ना तो मेरे साथ साथ किया करो, डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। चलो इसका नरेशन लिख लेते हैं बच्चों, यहां पे लिखेंगे कि बैंक बिल ड्रॉन फॉर, कितने महीने के लिए बिल बनाया गया बच्चों स्टार्टिंग में,
तो 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर 3 मंथ्स। अब देखो बच्चों प्रसाद की बुक में एंट्री कैसे आएगी बताती हूँ आपको। प्रसाद ने क्या किया बच्चों, बिल को एक्सेप्ट किया ना नवंबर 21, तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है बताइए जल्दी से। तो सागर्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको किया जाएगा, बिल्स पेबल को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सागर्स अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, चलो अभी अमाउंट लिखते हैं बच्चों। ये देखो इधर तो अमाउंट लिखा ही नहीं, 21,000, अमाउंट लिखना भूलना मत। चलो यहाँ पर 21,000 और यहाँ पर भी 21,000, ठीक है। इसका नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मत लिखिएगा, चाहिए तो लिख भी लो लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमको बनाना नहीं है। हमें दिखाना क्या है, ये दिखाना है और फिर हमको लेजर दिखाना है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। अब क्या हुआ, एक लाइन तो कर लिया हमने, द बिल इज़ डिस्काउंटेड बाई सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। अब देखो बच्चों ये आपके सागर हैं, सागर के पास बिल है कितने का, 21,000 का। तो सागर जाते हैं किसके पास, बैंक के पास। ये देखो ये आपके बैंक हैं, तो बैंक को इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, ये जो मेरे पास 21,000 का बिल है ना, इसे आप ले लो और मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो बैंक ने बोला ठीक है आप मुझे अपना बिल दे दो। तो बिल कितने का था बच्चों, 21,000 का, ठीक है। अभी देखो बैंक ऐसे फ्री में, मतलब फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठी है, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो कितना चार्ज, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लेगी, तो 8% पर एनम के हिसाब से। तो 21,000 का 8% निकालिएगा और कितने महीने के लिए, तो बिल के ऊपर अमाउंट कितना है बच्चों, 3 महीना। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो देखो 00 से 00 गया, 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 2, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 0 2 1 2 2 2 4, कितना आ गया बच्चों, 420, यानी कि बैंक का चार्जेस कितना हो जाएगा, 420, ठीक है। तो बैंक अपना इतना चार्ज काट करके बाकी बचा हुआ अमाउंट दे देगी किसको, सागर को। तो 21,000 में से 420 को चलो माइनस करते हैं, 0 8 5 5 ही आएगा ना, इसने किसको दिया, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 20,580, ठीक है। इतना पैसा मिलेगा किसको, सागर को, ठीक है बच्चों। तो अभी सागर के बुक में एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो इतना इसके पास पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर ये इसका एक्सपेंस है ना तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा बच्चों, तो बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं, और ये किस दिन हुआ, तो उसी दिन हुआ नवंबर 21 को। जब तक कोई डेट ना दिया रहे तो वही समझने का, क्या बताया था मैंने आपको, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, चलो इसका नरेशन लिख देते हैं, बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, चलो बच्चों इसका अमाउंट लिख देते हैं, तो कितना अमाउंट मिल रहा है, 20,580, ठीक है। और फिर डिस्काउंट कितना है, तो 420, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे 21,000, यानी बिल के ऊपर कितना लिखा था, 21,000 ही लिखा था ना, एक बार दोनों को जोड़ के देख लो, 0 0 8 2 10 1 5 9 1 10, जी हाँ सही है, ठीक है। चलिए ये भी हमने कर लिया, और मुझे एक बात बताइए, ये जो सागर और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये बिल ले रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, तो इससे प्रसाद को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं ना, मतलब इसके लिए प्रसाद के बुक में कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बस इधर ही आएगा जो हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इतना तो हो गया, फिर ऑन मेच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। यानी कि क्या हुआ बच्चों, जब भी मेच्योरिटी डेट आया ना, जब भी ड्यू डेट आया,
तो प्रसाद ने अपने आप को पाया कि वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसने सागर से फिर से रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, जो मेरा बिल है उसको रिन्यू कर दो, यानी बिल को फिर से बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका बिल है बच्चों वो क्या किया जाएगा, कैंसिल यानी कि डिसऑनर किया जाएगा। तो बिल डिसऑनर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद नया बिल बनाने की। ठीक है, तो पहले हम लोग बिल डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या होगा, तो आप 21 नवंबर से 3 महीना आगे चाहिए। और एक और बात बताऊं, देखो ये जो आपका बिल था बच्चों, ये कैसा बिल था, आफ्टर साइट बिल था। ठीक है, तो आफ्टर साइट बिल में क्या होता है, जब भी बिल को एक्सेप्ट किया जाता है उस दिन से हम लोग बिल का पीरियड काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, मतलब आप क्या समझोगे कि जिस दिन बिल बनाया उसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, 3 महीना काउंट करेंगे। तो नवंबर के बाद क्या आता है बच्चों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि फरवरी 21। अब इसमें 3 और ग्रेस डेज प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 फेब। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ड्यू डेट। ठीक है, तो चलिए अभी ड्यू डेट पे आपका जो बिल है बच्चों वो डिसऑनर हुआ, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। और देखो यहाँ पे जो आपका साल है ना वो बदल जाएगा, पहले 2019 था, अब 2020 हो जाएगा ना, 2019 के बाद तो 2020 आता है। तो एंट्री कैसे करोगे बच्चों, आपका बिल जो है वो कैंसिल हो रहा है, मतलब प्रसाद अभी भी आपके लिए क्या बना हुआ है, यस एवरीवन, डेटर बना हुआ है। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट, और फिर बिल किसके पास है, जी हाँ बैंक के पास है। गलती से बिल्स रिसीवेबल मत लिख देना, वो कब लिखा जाता है, जब भी बिल आपके पास रहता है तब, लेकिन आपके पास तो बिल है ही नहीं, है ना, बैंक के पास है, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 21,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग बिल डिसऑनर, सीधे सीधे बस यही एक लाइन में लिख देने का। और बच्चों यहाँ पे प्रसाद के बुक में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो बताती हूँ ना आपको, चिंता मत करो, 24 फेब। देखो बच्चों सागर अभी भी हमारे लिए क्या बना हुआ है, तो वो अभी भी हमारे लिए बना हुआ है क्रेडिटर। तो क्या होगा, और हमारा जो बिल्स पेबल था वो कैंसिल भी हो रहा है, तो एंट्री कैसे करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे, सागर्स अकाउंट, अमाउंट 21,000 इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इन्होंने बोला कि बिल को आप कैंसिल कर दो और बिल को नया कर दो, तो बिल डिसऑनर की एंट्री हमने इधर भी कर दी, इधर भी कर दी। अब देखते हैं कि जो सागर है वो कौन से कंडीशन पे एग्री करते हैं, तो आगे देखिए क्या लिखा है कि सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, यानी सागर ने उनका जो रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कंडीशन क्या है देखो, एंड ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 मंथ, और 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीने की और उनको मोहलत दे दी कि आप 1 महीने में मेरा पेमेंट कर देना। लेकिन याद रखना आप कितना पेमेंट करोगे, तो 21,750। सुनो बच्चों, अगर वो मैच्योरिटी डेट पे ही पैसा दे देते तो कितना देना पड़ता, 21,000 ही देना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बोला कि नया बिल बना दो। इन्होंने बोला ठीक है मैं नया बिल तो बना दूंगा, तो आफ्टर 1 मंथ आपको देना पड़ेगा इतना अमाउंट, यानी 21,000 से अब काम नहीं चलेगा, अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 750 रुपये एक्स्ट्रा है ना बच्चों, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, यानी सागर क्या कर रहे हैं, तो प्रसाद से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे उतना। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री कैसे करोगे, पहले तो आप इंटरेस्ट की एंट्री कर देना दोनों को बुक में, इधर भी, और फिर उसके बाद और नए बिल को बनाने की और इनको एक्सेप्ट करने वाली इधर हम लोग एंट्री कर देंगे, पहले इंटरेस्ट वाली करते। ठीक है, चलो डेट कौन सा आएगा बच्चों, वही आएगा, यहाँ पे नहीं डाला था क्या, फरवरी 24, यही वाला डेट आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, तो प्रसाद अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब जो प्रसाद है ना बच्चों वो इतने से 750 रुपये से हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, और इंटरेस्ट तो हमारा इनकम होता है, इसके लिए उसको क्रेडिट दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, ठीक है समझ गए। अब देखो इनके बुक में एंट्री कर देते हैं बच्चों,
तो इनके लिए इंटरेस्ट पेबल होगा ना, मतलब इनके पास से जो इंटरेस्ट है वो जाएगा, ये इनका एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर्स अकाउंट। बोलो बच्चों अमाउंट कितना आएगा, 750, और इधर भी लिख देंगे 750। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या हुआ, ये बिल बनाया सागर ने और प्रसाद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो चलिए अभी उसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। और ये कभी हुआ, तो 24 फेब को ही हुआ, यहाँ पे डालते हैं फेब 24। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, प्रसाद अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे बच्चों, तो 21,750, क्योंकि इतने का ये बिल बनाया जा रहा है ना, तो 21,750 रुपये से आपका जो असेट्स है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो अब इसका नरेशन लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, बिंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 1 मंथ। बच्चों इनके बुक में एंट्री कैसे आएगी बताती हूँ, देखो फेब्रुवरी 24 क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे लिखोगे सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये तो आप जानते ही हैं। बिल्स पेबल अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, 21,750, और इधर भी आ जाएगा बच्चों 21,750। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। अब इसके आगे हमको करना है, तो आप एक काम करो, ये तो पूरा भर चुका है ना, तो अभी मैं इसको रफ करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की एंट्रीज बताती हूँ। चलिए बच्चों अभी आगे देखते हैं, तो कहाँ तक हमने देखा था, देखो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया था कि सागर ने बिल को बनाया और प्रसाद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है कि सागर डिपोजिट द बिल इनटू बैंक फॉर द कलेक्शन, यानी कि सागर ने क्या किया बच्चों, जो उनके पास बिल्स रिसीवेबल था वो बैंक को दे दिया, किसके लिए, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है आप जानते हो, बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या, जैसे कि जो सागर है ना बच्चों, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पैसा कलेक्ट करने का, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने अपना बिल दे दिया बैंक को, बोला कि जाओ तुम मेरा पैसा कलेक्ट करके ला करके मेरे को दे दो, और जो भी आपका चार्जेस होगा वो आप ले लेना। ठीक है, तो जब भी हम लोग बिल को ट्रांसफर करेंगे किसको, बैंक को, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, तो उसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना बिल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और फिर आपके पास से क्या जा रहा है, बिल्स रिसिवेबल जो है बच्चों वो जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट। ओके चलिए फिर इसकी एंट्री कर देते हैं, और डेट क्या रहेगा बच्चों, तो वही रहेगा 2020 फेब्रुवरी 24, तो यहाँ पे 2020 डाल देती हूँ मैं, और 24 फेब। बोलो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे कि बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल के ऊपर अमाउंट कितना था बच्चों, 21,750, 750 ही था ना। यस, अब देखो इस ट्रांजेक्शन से प्रसाद को कुछ फर्क पड़ा है क्या, नहीं ना, बिल किसके पास है, सागर के पास। अब सागर उस बिल का चाहे जो करे, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इधर नो एंट्री आएगा। ठीक है, चलो ये वाली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब क्या होता है उसके आगे जरा पढ़ लो एक बार, प्रसाद ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट आया तो प्रसाद ने बिल को क्या कर दिया बच्चों, ऑनर कर दिया। ठीक है, और फिर क्या होता है, एंड बैंक चार्जेस, बैंक ने अपना चार्जेस लिया 250 रुपये। तो चलिए जी आपको बता देते हैं, देखिए
अभी जब भी ड्यू डेट आया, ड्यू डेट क्या होगा बच्चों, तो इस डेट से आप लोग 1 महीना आगे जाओ, तो 24 फेब से 1 महीना आगे जाएंगे तो मार्च 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 और ग्रेस डेज प्लस कर दो तो क्या आएगा बच्चों, 27 मार्च, ये आपका हो जाएगा ड्यू डेट। तो इस दिन हुआ क्या बताती हूँ, मार्च 27, तो इस दिन जो आपका बिल है ना बच्चों वो हो गया ऑनर्ड, बराबर, यानी आपको पैसा मिल गया। तो आपके पास पैसा आएगा, यानी जो आपका बैंक बैलेंस है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट देंगे, और फिर क्रेडिट किसको दिया जाएगा तो समझिएगा थोड़ा, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में आ जाए। देखो बिल के ऊपर अमाउंट कितना था बच्चों, 21,750। ठीक है, तो बैंक को कितना पैसा मिला होगा, इतना पैसा मिला होगा। अभी उसमें क्या दिया है कि बैंक ने अपना चार्ज काटा है, कितना, 250 रुपये। देखो ना उधर लिखा हुआ है बैंक चार्जेस कितना, 250 रुपये। मतलब आपके पास कितना पैसा आएगा, आपका जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो कितने से बढ़ेगा, तो 250 रुपये इसमें से निकाल दीजिए क्योंकि ये तो बैंक का चार्ज है ना। तो 005, 21,500 से आपका जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, इतने से बैंक अकाउंट को डेबिट दे देंगे। बाकी ये जो 250 रुपये है बच्चों ये तो आपका एक्सपेंस है ना, तो बैंक चार्जेस को भी हम लोग डेबिट देंगे, और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको दिया जाएगा, तो जो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट है ना बच्चों उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर समझ में आया, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे, टू बिल सेंड टू, ऐसे जो लिखा था वही लिख दीजिएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसके अलावा बैंक बैंक ने अपना चार्जेस भी लिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिंग ऑनर्ड ऑफ बिल, यानी कि जो बिल है बच्चों वो ऑनर हो गया, तो ऑनर ऑफ बिल, एंड बैंक चार्जेस चार्ज चार्जेस चार्ज। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस कितने से बढ़ रहा है, 21,500 रुपये से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और बैंक का चार्जेस कितना है बच्चों, 250 रुपये है, यहाँ पे 250 रुपये लिख देंगे। और वो जो बिल था उसके ऊपर अमाउंट कितना था, 21,750, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 21,750। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका फाइनल एंट्री। अब इसके आगे और कुछ दिया है क्या, देख लो जरा, और कुछ दिया होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो कुछ नहीं दिया है ना, बस यही आपका लास्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं बच्चों। ठीक है, अब हमको लास्ट में क्या बनाना था, लेजर बनाना था। तो फिर से आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे रफ करके जो लेजर है वो जल्दी से बता देती हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा, क्या लिखा हमने देखो, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर्स अकाउंट। ठीक है, फिर इधर डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर JF, फिर यहाँ पे अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्स पेबल से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो बच्चों बिल किसका बनाया जाएगा, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा तब जाके बिल बनाया जाएगा ना। तो सबसे पहली वाली एंट्री आपको याद है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से था, तो हमने कैसे किया था तो सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या रहेगा, कुछ ना कुछ गुड्स का यहाँ पे सेल्स एंड परचेज हुआ रहेगा। ठीक है, तो प्रसाद के लिए ये जो सागर है ना, प्रसाद के लिए सागर क्या होगा बच्चों, क्रेडिटर होगा। इस बात को मानते हो कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये प्रसाद क्या है, ड्रॉवी है, सागर क्या है, ड्रॉवर। ठीक है, तो प्रसाद के लिए सागर क्या होगा, क्रेडिटर होगा, बराबर। तो अभी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 21,000 रुपये। ठीक है, और सुनो बच्चों यहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिया नहीं, तो वही ले लो 2019 और नवंबर 21। ठीक है, वही आप लोग ले लीजिए क्योंकि डेट तो दिया नहीं है, बराबर। चलो ये तो हमने कर दिया, अब उसके बाद इसमें आप लोग आ जाइए, सागर का नाम देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, किसमें है, डेबिट में है। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो इधर नीचे क्या लिखा है, बिल्स पेबल। तो यहाँ पे डेट डालते हैं 2019 और नवंबर 21।
ठीक है, नवंबर 21 क्या लिखेंगे बच्चों, टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट देख लीजिए 21,000, ठीक है। फिर उसके बाद सागर का नाम कहाँ पर है, यहाँ पर है, किधर है बच्चों, क्रेडिट में। तो अभी क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट, और डेट कौन सा है 24 फेब का, तो यहाँ पर लिखते हैं फेब 24, क्या लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए बच्चों कितना है, 21,000, 21,000 नहीं है, एक मिनट, ये है ना, हाँ 21,000, ठीक। फिर उसके बाद और सागर का नाम देखो यहाँ पर है, किधर है बच्चों, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, और कब का है, उसी दिन का है, फेब 24, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट देख लो 750, इधर लिख दिया हमने 750। अब देखो सागर का नाम कहाँ पर है, ये देखो बच्चों यहाँ पर है, बराबर, किस में है, डेबिट में, तो डेबिट में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल, डेट कौन सा है, 24 फेब, क्या लिखेंगे बच्चों, टू बिल्स पेबल, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, बोलो कितना अमाउंट है, 21,750, ठीक है। और देखो बच्चों एक और बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे देखो लास्ट एंट्री करना भूल गई हूँ, देखो मार्च 27 को क्या हुआ था बच्चों, बिल जो है वो आपका ऑनर्ड हुआ, तो किसने पेमेंट किया रहेगा, प्रसाद ने पेमेंट किया रहेगा बैंक को, बराबर, तो जब ये पेमेंट करेगा तो इसके पास से पैसा जाएगा, तो उसकी भी तो एंट्री हमको इधर करनी पड़ेगी ना, तो चलिए फिर लास्ट में ही कर देते हैं। तो देखो जब इनके पास से पैसा जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट को यहाँ पे बच्चों क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको किया जाएगा, तो जो आपका बिल्स पेबल है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी अभी वो उनकी कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये ना मैं भूल गई थी, वैसे भी इसकी ज़रूरत ना इसमें नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक मैंने छोड़ा था तो आपको बता देती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि कहाँ गया है ना, तो इसके लिए देख लो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया, 21,750, यहाँ पे लिख दीजिए 21,750 दोनों जगह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सागर का नाम है क्या, नहीं है ना, मतलब इसमें इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सागर का नाम रहेगा बस आपको वही लिखना है। अब बच्चों इसका टोटल कर दीजिए और दोनों ये टैली होना ही चाहिए, तो चलो देखते हैं 21,000 और 21,750, चलो इधर देखते हैं, 0 फिर 5 और ये 7 और ये 1, कितना आया बच्चों, 41,750, बराबर, इधर देखो 21,000 42,000 और फिर उसमें 750 जुड़ जाएगा तो 42,750, ठीक है बच्चों, देख लीजिए दोनों टैली हो गया, मतलब हमने यहाँ पे जो भी किया है वो एकदम सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे लास्ट में मैंने छोड़ा था तो मुझे अच्छा हुआ जो याद आ गया, वरना फिर ऐसे ही ये छूट जाता, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में ही किया पर हमने किया, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों ये कंप्लीट होता है। तो देखो ये जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस दिए गए, पहला तो अभी तक हमने 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस देखे बच्चों वो पहला टाइप था, अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें मतलब एक ड्रॉवर और कई सारे ड्रॉवीज रहेंगे, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चंस दूसरे टाइप के हैं, तो वो भी आपको समझ में आएगा, चिंता ना करना, ठीक है। तो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा टाइप बच्चों, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।